फूल की राह में बड़े पत्थर हैं, चाहे ये कमल का फूल हो या फिर टीएमसी का जोड़े वाला फूल। आज बंगाल की पूरी सियासी लड़ाई फूल और पत्थर पर आकर टिक गई है, क्योंकि चुनावी दंगल सीधे सीधे ममता और मोदी के बीच में है। पहले कहते थे अच्छे दिन आ रहा है, जो हमसे टकराएगा वो चुच्चू हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की स्पीड से करती थी इसको नहीं पा रही थी। लक्ष्य है, घृणा है, ये अपने लक्ष्यों को प्रधानमंत्री पांच फुट दो इंच की कदकाठी वाली दीदी की शख्सियत को बंगाल की राजनीति में आज की तारीख में बड़े से बड़े पद वाले चुनौती देते नजर नहीं आते। हाँ, दिल्ली में स्थापित भारतीय जनता पार्टी के विशालकाय सत्ता प्रतिष्ठान को पूर्व से गरजती बरसती और दहाड़ती इसी ललकार ने लगातार सीधी चुनौती दी। आने वाला दिन में तो बोलना है कि मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। नरेंद्र मोदी मतो एत मिथ्यवादी झूठा एत बाजे लोग हमें एकटाओ देखिनी। अपने बगावती तेवरों से बंगाल में बैठे बैठे दिल्ली की हुकूमत से बार बार दीदी ने आजमाइश की। हम अभी भी कहते हैं साल पड़ोसी को तमन्ना, आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए कतिल में है। मैं कौड़ी चाहूंगी कि रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं, मोहब्बत देश का दिल से होता है, बीजेपी से नहीं। 2019 के परिणाम ने उस परिवर्तन का संकेत ममता बनर्जी को दे दिया, जो वक्त रहते तैयारी न करने पर 2021 में सियासी जमीन की बुनियाद को हिला सकता था। वो पब्लिकली कह रही है वो देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रव्यापी तूफान की चेतावनी मिलते ही दीदी ने अपने दुर्ग को बंगाली अस्मिता की रणनीति से सुरक्षित करने का फैसला ले लिया। सिद्धांतों की सियासत करने वाली ममता दीदी का कड़ा इम्तिहान जरूर होगा। बीजेपी की तैयारी बहुत बड़ी है, लेकिन चुनावी अखाड़े में जंग लड़ने के पारंपरिक तौर और तरीकों से हटकर ममता के अपने अस्त्र और शस्त्र हैं, जो लोग देश में मोदी स्टाइल राजनीति के उत्थान और बंगाल में ममता बनर्जी के कमाल को करीब से समझते हैं। वो बंगाल की लड़ाई को जाति आधारित सूबों की राजनीति से एकदम अलग रख कर देखते हैं। पश्चिम बंगाल में जो वोट बैंक है उसमें लगभग 30% मुस्लिम वोट है, और उसमें ओबीसी, बैकवर्ड क्लास, सिड्यूल का, सिड्यूल ट्राइब का, डिफरेंट कम्युनिटीज का जो वोट बैंक है उसमें ममता बनर्जी का पकड़ है। जेंडर इश्यू है, जो वोमेन वोटर बहुत स्ट्रांग है, और सबॉल्टर्न, बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, सब ममता के साथ है। तो कलकत्ता में भी जो भद्रलोक कम्युनिटी, जो एंटी कम्युनिस्ट स्पेस, वो ममता बनर्जी ने ले लिए थे। तो इसीलिए इसको तोड़ना भी आसान नहीं है, लेकिन ममता के लिए इस बार जो चैलेंज ममता फेस कर रही है वो एकदम अनप्रेसिडेंटेड। ऐसे मैंने कभी भाजपा को भी इतना एग्रेसिव कभी नहीं देखा, और ममता बनर्जी को भी जो चैलेंज महसूस कर रहे हैं ये भी, ये स्थिति पहले कभी पश्चिम बंगाल में नहीं देखा। बंगाल को जो भारत छोड़ने का विश्वास करें तो
बंगाल की लड़ाई को एक शब्द में समझे तो जुझारू और जिद्दी दीदी का मुकाबला हाशिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस और वाम दल से नहीं बल्कि बंगाल कूच कर चुकी भगवा सेना से है। जिसके रथ के पहिए को 2014 और 2016 में दीदी ने अपने दम पर रोक दिया था, लेकिन 2019 में दुर्ग को बचाने में दीदी की किलेबंदी नाकाफी साबित हुई। बंगाल से सटे बिहार में मिली जीत ने ममता दीदी के गढ़ पर नजरें गड़ाए बीजेपी के उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया। बंगाल के सियासी दंगल में आगे क्या होगा ये मुख्य योद्धाओं के सूझबूझ पर निर्भर करेगा, यानी बंगाल की बाजी सटीक दांव लगाने पर होगा। बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में चुनाव का ताना बाना दो चेहरों पर बुना गया है जो सियासी विचारधारा में एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन जंग के मैदान में कुशल और चालाक योद्धा हैं। ममता बनर्जी जमीनी नेता, नरेंद्र मोदी जमीनी नेता। ममता बनर्जी गुस्सैल स्वभाव, नरेंद्र मोदी गंभीर स्वभाव। ममता बनर्जी बोल्ड फैसले लेने वाली मुख्यमंत्री, चौंकाने वाले फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री। ममता की छवि बेदाग है, नरेंद्र मोदी की छवि ईमानदार वाली है। ममता ने लेफ्ट का दुर्ग जीता है, नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का किला जीता है। ममता बनर्जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री है और नरेंद्र मोदी लोकप्रिय प्रधानमंत्री। ममता बनर्जी का फोकस गरीबों पर रहा, नरेंद्र मोदी का फोकस गरीब कल्याण की नीतियों पर रहा। ममता बनर्जी प्रखर वक्ता है तो नरेंद्र मोदी भी शानदार वक्ता है। ममता बनर्जी धुलमुल रवैया नहीं अपनाती और नरेंद्र मोदी पक्के इरादे वाला व्यक्तित्व रखते हैं। खास बात यह है कि सीएम और पीएम दोनों मेहनती हैं। अनुभव की कसौटी पर, लोकप्रियता के पैमाने पर और प्रशासनिक कार्यकुशलता में मोदी और ममता ने बड़ी लकीर खींची है। अब की बार मुश्किल हालात में दोनों की अग्नि परीक्षा है। मोदी की प्रतिष्ठा का सवाल होगा, जबकि मोदी पर बढ़त बनाने के लिए दीदी को दुर्ग बचाकर अपने विचार और जनाधार पर जीत की मुहर लगानी होगी। आज तक ब्यूरो।